गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एमीटर को सर्किट के अंदर कैसे लगाते हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो सबसे पहले एमीटर को लगाने का मेथड। एमीटर एक टाइप्स का मीटर होगा जिसके अंदर क्या लिखी होगी, रीडिंग्स नंबर लिखी होंगे 0, 5, 10, 15। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि करंट का जो SI यूनिट होगा मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर भी होगा। इसके साथ ही हमने बात की थी रिलेशनशिप बिटवीन द माइक्रो एम्पियर एंड मिली एम्पियर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एमीटर को सर्किट में कैसे लगाते हैं। तो इसके ऊपर एक तरफ होगा नेगेटिव, एक तरफ होगा पॉजिटिव और इस पर लिखे होंगे नंबर। तो आपके पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये कोई रेजिस्टेंस, ये आपके पास एक बैटरी और आपके पास एक स्विच। तो एमीटर को हमेशा सर्किट के अंदर सीरीज में लगाते हैं। एमीटर को हमेशा सर्किट के अंदर सीरीज में लगाते हैं। सीरीज का मतलब बैटरी का जो पॉजिटिव होगा वो एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से और जो बैटरी का नेगेटिव होगा वो एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होगा। एमीटर इज ऑलवेज अप्लाइड इन द सीरीज विद इलेक्ट्रिक सर्किट, क्योंकि इसके अंदर जो करंट का फ्लो होगा वो एग्जैक्ट होगा। जितना करंट सर्किट में से फ्लो होगा उतना ही करंट एमीटर के द्वारा शो होगा। इसलिए एमीटर को हमेशा सर्किट के अंदर ही लगाते हैं। इसके साथ ही इस मीटर के द्वारा जो मिनिमम करंट मेजर होगा उसको हम बोलते हैं फिजिक्स के अंदर लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट। तो इसके अंदर जो लीस्ट काउंट होगा वो होगा 1। जो इसमें लिखा होगा, मान लो इसमें लिखा होगा मिली एम्पियर, तो इस मीटर के द्वारा कम से कम 1 मिली एम्पियर करंट को हम माप सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें बात करेंगे पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल मान लीजिए आपके पास कोई चार्ज प्लस क्यू, तो क्या होगा, इस चार्ज के द्वारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस ए इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। अगर वो चार्ज पॉजिटिव होगा तो उसकी फील्ड चार्ज से कैसी होगी, आउटवर्ड, मतलब कि बाहर की तरफ होगी। अगर वो चार्ज नेगेटिव होगा तो उसकी जो फील्ड होगी वो अंदर की तरफ होगी, इनवर्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड बाहर होगी, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड अंदर होगी। फील्ड का मतलब आपने सुना होगा मैग्नेट के बारे में, मैग्नेट जिसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल होंगे। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई सब्सटेंस आएगा तो इस मैग्नेट के द्वारा अपनी तरफ अट्रैक्ट और रिपेल किया जाएगा। वैसे ही चार्ज के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की तरफ होगी और नेगेटिव चार्ज के लिए अंदर की तरफ होगी। अगर आपके पास कोई दूसरा चार्ज, फॉर एग्जांपल क्यू, ऐसा चार्ज जिसके ऊपर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वेरी लो होंगे, मतलब इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, लो चार्ज होगा,
और इसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल टेस्ट चार्ज। और इतना वो स्मॉल होगा कि उस चार्ज की खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो क्या करेंगे, इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेकर आएंगे, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ लेकर आएंगे। तो इस चार्ज को ए से बी पॉइंट पर लाने के लिए हमारे द्वारा वर्क होगा। ऐसा नहीं, फॉर एग्जांपल आप के पास जो चार्ज था प्लस क्यू, प्लस क्यू, अगर सेकंड कंडीशन की बात करें तो ये प्लस क्यू, इसकी फील्ड बाहर की तरफ। अगर आप सेकंड कंडीशन के अंदर चार्ज को बी से ए की तरफ लेकर जाओगे, इसके ऊपर टेस्ट चार्ज क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इस चार्ज को इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगी जिससे ये चार्ज अपने आप इस पॉइंट से दूर जाएगा। अगर मान लो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल। तो हमने क्या करना है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को इग्नोर करते हुए कि वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा मूव ना हो, इसलिए हम अपना वर्क करेंगे। इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल वर्क। और इस काम को करते टाइम इस चार्ज को बी से ए और ए से बी दोनों कंडीशन के अंदर इस तरह से लेकर आएंगे कि पूरे प्रोसेस के अंदर उसकी स्पीड क्या हो, कांस्टेंट, नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। अगर ऐसा हुआ तो हमारे द्वारा किया गया काम, थोड़ा सा काम उस चार्ज की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में लग जाएगा। इसलिए पूरे प्रोसेस के अंदर वर्क डन जो होगा वो कांस्टेंट स्पीड के साथ होगा, नो इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। उस टाइम जो काम करना पड़ेगा उस फील्ड के जो विपरीत काम करना पड़ेगा, उस फील्ड के विरोध में जो काम करना पड़ेगा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल। मान लीजिए आपने इस पॉइंट के ऊपर निकालना है पोटेंशियल, तो V इज इक्वल टू होगा वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। चार्ज कौन सा आएगा, जिस चार्ज के द्वारा वो फील्ड प्रोड्यूस होगी, जिस चार्ज के द्वारा वो फोर्स प्रोड्यूस होगी। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज रेशियो ऑफ द वर्क डन एंड चार्ज, इसका जो फॉर्मूला होगा W अपॉन क्यू। अगर हम इसके SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट, तो वर्क का क्या होगा, जूल, और चार्ज का होगा कूलम, जूल पर कूलम। इसके अलावा पोटेंशियल का जो SI यूनिट होगा उसको हम बोलेंगे वोल्ट। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, इसके दो SI यूनिट होंगे, जूल पर कूलम एंड वोल्ट। तो आज का हमारा टॉपिक पूरा हुआ। अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पोटेंशियल मीटर के बारे में। और तो आज का हमारा टॉपिक पूरा हुआ अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इसके साथ ही हम बात करेंगे हाउ कैन वी मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। धन्यवाद।